हेलो डियर, वेलकम। टुडे वी डिस्कस टोम टॉपिक। टोम में हमने लेंथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट के थ्योरी कराई थी। आज हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दो न्यूमेरिकल हमने लिया है, दो न्यूमेरिकल में से एक एक करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट रेशियो और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग भी निकालना होता है करके। तो आज पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने राइट किया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच ऑफ द टू गियर, टू इक्वल स्पर गियर। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों इक्वल दिए हैं, इक्वल स्पर गियर है। स्पर गियर क्या है? स्पर गियर एक टाइप है, जो गियर का टाइप है स्पर गियर। इनमें आर देखो क्या है, द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच ऑफ द टू इक्वल स्पर गियर इनमें आर 40, यानी जो टीथ दिया है दोनों का 40 दिया है। द टीथ हैव 20 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल, यानी जो प्रेशर एंगल दिया है वो 20 डिग्री दिया है। एंड द मॉड्यूल इज 6 mm, यानी जो मॉड्यूल है वो कितना दिया, 6 mm दिया है। इफ द आर्क ऑफ कांटेक्ट इज 1.7 टाइम्स ऑफ सर्कुलर पिच, मींस क्या है, आर्क ऑफ कांटेक्ट जो दिया है वो कितना दिया है, 1.7 टाइम्स ऑफ सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होता है, पीसी होता है, हम लोग बात करेंगे अभी। फाइंड द अडेंडम, यहां पे अडेंडम निकलवाया। ये क्वेश्चन जो है एकेडमी में बहुत आता है, इसको आप देख लीजिए। तो अभी हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो सोल्यूशन से पहले एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्या क्या डाटा दिया है। एक टीथ दिया है, एक प्रेशर एंगल दिया है और मॉड्यूल दिया है। आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या है, सर्कुलर पिच के टर्म में दिया है, एडेंडम निकालना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिखने के लिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले टीथ दिया है। टीथ क्या है, दो गियर मेज कर रहे हैं, एक पिनियन है एक गियर है। दोनों कैसे हैं, इक्वल है। दोनों कैसे हैं, इक्वल है। दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है, इक्वल मींस इक्वल इस पर गियर है, यानी जो टीथ है दोनों का कितना है, 40 है। दोनों का टीथ कितना है, 40 है। एक कैपिटल टी कह सकते हो, एक स्मॉल टी है, दोनों का क्या है, इक्वल टीथ है। मींस क्या है, जो पिनियन है जो गियर है दोनों मिस कर रहे हैं, उनका जो टीथ है वो क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल है, यानी जो रेडियस है वो भी इक्वल है। मॉड्यूल अगर दो गियर मिस करते हैं तो उनका मॉड्यूल भी सेम होता है, उनका मॉड्यूल भी क्या है, सेम है। अब देखो डाटा है, तो डाटा क्या है, टी इक्वल टू स्मॉल टी, स्मॉल टी फॉर पिनियन। ये हमारे पास पिनियन है, ये हमारे पास गियर है, ये हमारे पास क्या है, गियर है। तो पिनियन और गियर का जो टीथ है वो दोनों का सेम है, तो हमने मान लिया 40 है। क्या कर दिया, 40 जो दिया है, प्लस प्रेशर एंगल कितना दिया है, प्रेशर एंगल 20 दिया है। अब प्रेशर एंगल को हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, मॉड्यूल को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ऑलवेज इन एमएम। जो मॉड्यूल होता है ऑलवेज इन एमएम होता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दिया, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो दिया है 1.7 टाइम ऑफ पीसी। सर्कुलर पिच को हम लोग पीसी से डिनोट करते हैं, सर्कुलर पिच को पीसी से डिनोट करते हैं। फाइंड द अडेंडम, यानी अडेंडम मींस क्या है, ए निकालना है आपको, अडेंडम निकालना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन की बात करते हैं। तो ये डाटा दिया है, तो बी नो दैट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कुलर पिच, बी नो दैट पीसी सर्कुलर पिच क्या होती है, पाई एम। कितनी होती है, पाई एम होती है, पाई डी बाई टी कह सकते हो, पाई एम कह सकते हो। एम दिया है तो हम लोग एम इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जो वैल्यू आ गई पाई की, पीसी की वैल्यू आ गई 18.85 mm। कितने आ गई, अगर पाई और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 18.85 mm। अब ये पीसी आ गया, अब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 1.7 इंटू 18.85। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ जाएगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो वैल्यू आ रही है वो 33 mm आ रही है। कितनी आ रही है, 33 mm आ रही है। और प्लस हम लोग फिर जानते हैं बी नो दैट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के डेफिनेशन जानते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जहां पे क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई। कॉस फाई, फाई हमें दिया 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट, तो आगे यहां से क्या निकल जाएगा, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई। तो यहां से पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकल जाएगा तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट
path of contact equal to arc of contact into cos phi. तो यहाँ पे हम देखेंगे r का कांटेक्ट वैल्यू कितनी है, 33 है, तो 33 इंटू कास 20, कास 20 ये कितना आ जाएगा, 31 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा अप्रॉक्सिमेट 31 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31 mm आ जाएगा। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट हम लोग जानते हैं, पाथ ऑफ कांटेक्ट का हमने प्रूव किया था, पाथ ऑफ कांटेक्ट का क्या है, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस की बात किया था। तो पाथ ऑफ अप्रोच क्या है, देखेंगे पाथ ऑफ अप्रोच क्या है, अडेंडम रेडियस ऑफ गियर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस, यहां प्लस है यहां माइनस है, माइनस आर प्लस आर साइन फाई, आर प्लस आर साइन फाई। ये हम लोग क्या है पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट जानते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट आ चुका है, तो हमें अल्टीमेटली आर ए निकालना है। आर ए अगर निकल जाए और हमें पता है वी नो दैट गिवन, क्या गिवन दिया है, बोथ गियर आर इक्वल, तो इक्वल गियर है, इक्वल गियर की वजह से क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर हो जाएगा, आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल आर ए हो जाएगा, आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल आर ए हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये टू टाइम्स हो जाएगा, ये टू टाइम्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर का कॉन्टेक्ट पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट वैल्यू 31 है, 31 इंटू टू टाइम्स ऑफ आर ए के टर्म में लिख लिया आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर आर साइन फाई, आर साइन फाई, आर साइन फाई। आर की वैल्यू निकाल ले, आर की वैल्यू कितनी है, तो 31 अपॉन 2 इक्वल टू आर ए स्क्वायर, आर ए तो हमें निकालना है, प्लस आर की वैल्यू निकाल ले, तो आर यहां से निकल जाएगा मॉड्यूल इक्वल टू डी बाई टी, तो 2R अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी दी है 40 दी है, तो यहां से R इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम टी बाई टू, तो एम टी बाई टू, तो M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू 6 है, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू 40 है अपॉन 2, तो कितना आ गया 4×12 120 mm आ गया, कितना आ गया 120 mm, यानी R इक्वल टू स्मॉल R दोनों बराबर है तो 120 mm आ गया, 120 का स्क्वायर इंटू कॉस 20 का स्क्वायर माइनस 120 साइन 120। इसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद कुछ चीज इधर आ जाएगी, आर ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो आर ए की जो वैल्यू आ रही है, आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आर ए की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है, आर ए की जो वैल्यू आ रही है 126.12 आ रही है, 126.12 mm आ रही है, कितनी आ रही है सॉल्व करने के बाद 126.12 आ रही है। तो अडेंडम कितना हो जाएगा, अडेंडम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आर ए माइनस आर, यानी कि जो अडेंडम है अडेंडम को ए से डिनोट करेंगे, ए कितना हो जाएगा आर ए माइनस आर हो जाएगा, तो आर ए की वैल्यू कितनी है 1.12 और माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 120 है, तो कितना आ जाएगा 126.12 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा 6.12 mm, कितना आ जाएगा 6.12 mm, ये क्या हो जाएगा अडेंडम। ये पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर से देखिए, पहले हमने डाटा लिखा, डाटा में क्या दिया था, दोनों का टीथ दिया था, दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल थे तो उनका मॉड्यूल तो इक्वल होगा, दो गियर मेस कर रहे हैं, इक्वल थे इसलिए उनका साइज बराबर होगा, साइज का मतलब क्या, उनके रेडियस बराबर होगी, इक्वल गियर है तो उनका रेडियस बराबर होगा। आर का कॉन्टैक्ट दिया था, तो सबसे पहले सर्कुलर पिच निकाला, फिर आर का कॉन्टैक्ट निकाला, फिर आर का कॉन्टैक्ट इक्वल टू आर का कॉन्टैक्ट इक्वल टू पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस पाई, यहां से पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिया, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट टू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला जो है लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था तो वो लिखा, इक्वल साइज था इसलिए क्या हो गया ये दोनों बराबर हो गए, यहां पे बराबर हो गए तो टू टाइम्स हो गया, टू टाइम्स हो गया, फिर सॉल्व कर लिया आर ए आ गया, अडेंडम इक्वल टू अडेंडम रेडियस सर्किल द रेडियल, देखो अडेंडम होता क्या है, अडेंडम क्या है द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम रेडियस माइनस पिच सर्कल रेडियस, ये क्या है अडेंडम है, तो रेडियल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है आर ए माइनस आर। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हो गया ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है,
उसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए पिनियन हैविंग 30 टीथ ड्राइव ए गियर, पिनियन क्या कर रहा है, वो गियर को ड्राइव कर रहा है हैविंग 80 टीथ, यानी क्या है, पिनियन का जो है 30 टीथ है और गियर का 80 टीथ है, द प्रोफाइल ऑफ द गियर इज इन्वोल्यूट, यानी जो प्रोफाइल होती है, दो टाइप की प्रोफाइल जनरली होती है, एक इन्वोल्यूट प्रोफाइल होती है, एक साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती है, तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विद 20 डिग्री प्रेशर एंगल, 12 mm मॉड्यूल एंड 10 mm अडेंडम, अब की बार अडेंडम दे दिया है इन्होंने, मॉड्यूल भी दे दिया है, मॉड्यूल इसके बराबर नहीं है, फाइंड द लेंथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट रेशियो, इसका डेरिवेशन हमने कराया था, तो हमें सब फार्मूले पते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन सब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या क्या दिया है, स्मॉल टी यानी पिनियन वाले को टीथ को हम लोग क्या स्मॉल टी मान लिया, 30 दिया है, कैपिटल टी क्या है जो गियर का है, तो गियर का कितना दिया है, 80 दिया है, और प्रोफाइल इन्वोल्यूट, इन्वोल्यूट प्रोफाइल मतलब फाई दिया है, प्रेशर एंगल कितना दिया, 20 दिया है, अब मॉड्यूल को एम से डिनोट किया, एम कितना दिया है, 12 एमएम दिया है, फिर हमने क्या किया, अटेंडम, अटेंडम को ए से डिनोट किया, तो अटेंडम कितना दिया है, 10 एमएम दिया है, अब हमें क्या है, लेंथ ऑफ द कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, तो सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वी नो दैट अब रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ द पिनियन एंड गियर, पिनियन एंड गियर, तो पिनियन एंड गियर के लिए स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, एम टी बाई टू, देखो अगर ये स्मॉल है तो टी स्मॉल होगा, कैपिटल आर हमने बात किया तो मॉड्यूल इक्वल टू डी बाई टू से एम टी बाई टू बाहर जाएगा, कैपिटल आर क्या जाएगा, एम टी बाई टू, तो यहां से हमने निकाल दिया, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड्यूल 12 दिया है, टीथ कितना दिया है, 30 दिया है, और ये कितना दिया है, 2 दिया है, तो क्षेत्र 180 mm आ गई, अरे कैपिटल आर निकाल लिया, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 × 80/2, तो 8×48 480 mm आ गई, कितनी आ गई, 480 mm आ गई, यानी कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया, अब हम लोग क्या है, अडेंडम रेडियस निकाल लेते हैं, तो अडेंडम रेडियस निकाल लेते हैं, तो अडेंडम रेडियस ऑफ पिनियन एंड गियर अडेंडम रेडियस निकाल लेते हो, तो अडेंडम रेडियस क्या होती है, आर ए इक्वल टू, हमने बात की थी आर प्लस आर, और स्मॉल आर ए की बात करेंगे तो आर प्लस ए हो जाएगा, तो आर ए प्लस ए करेंगे तो 140 प्लस कितना दिया है, अडेंडम देता है 10 दिया है, तो कितना 490 mm हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 180 प्लस 10 हो जाएगा, तो 190 mm हो जाएगा, यानी अडेंडम रेडियस आ गई, अडेंडम ये आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट हमें पता है, फार्मूला पता है, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला पता है, तो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस, यानी क्या है, अगर हम लोग पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस निकाल लें, दोनों का सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी, तो पाथ ऑफ अप्रोच पहले एक एक ना अलग अलग निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालने से क्या है, उसका भी यूज बताऊंगा क्यों निकालना है अलग अलग, तो इसका क्या है फॉर्मूला, क्या है, r² cos² φ - r sin φ, अब हमें क्या है, सब पता है, r भी पता है, तो वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रख दिया, तो कितना आ गया, 490² - 480² cos²20 - 480 sin²20, इसको साल किया तो मीन्स इसको केपी अगर बोल दिया तो केपी की वैल्यू क्या आ गई, केपी की वैल्यू जो आई 27.3 mm आ गई, कितनी सॉल्व करने पर 27.3 आ गई, अब हम लोग क्या पाथ ऑफ रेसेस निकाल लेंगे, का फॉर्मूला क्या है, पीएल अगर बोल दिया तो क्या है, आर ए स्क्वायर पिनियन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कास स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, तो इसको वैल्यू रख दिया, तो वैल्यू रख दिया तो 190 का स्क्वायर, भाई अडेंडम रेडियस ऑफ द 190 है तो 190 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर कास स्क्वायर 20 माइनस 180 साइन 20, इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद पीएल की जो वैल्यू आ गई, यानी पाथ ऑफ
पाथ ऑफ रेसेस की जो वैल्यू आई, पाथ ऑफ रेसेस की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 25 आ रही है। कितना आ रही है? 25 आ रही है। 25 mm आ रही है। कितनी आ रही है? 25 mm। फिर क्या करेंगे? अब हमें पता है लेंथ ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू क्या है, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस, तो जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद इधर देखो भाई, इधर आ जाइए प्लीज। लेंथ ऑफ कांटेक्ट तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कांटेक्ट की बात करें अगर, तो वो क्या था, केपी प्लस पीएल था। क्या था? केपी प्लस पीएल था। तो केपी प्लस पीएल को जोड़ दिया, केपी प्लस पीएल को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 27.3 प्लस 25। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद कितना आ गया, 52.3 आ गया। 52.3 mm, 52.3 mm आ गया लेंथ ऑफ कांटेक्ट। अब लेंथ ऑफ कांटेक्ट आ गया, आर्क ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट तो और इजी है, क्या है, पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाई, अपॉन कॉस फाई। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट कितना है, 22.3 अपॉन कॉस 20। इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई, सॉल्व करने पर कितने, 56.66। ये क्या आ गया, आर्क ऑफ कांटेक्ट आ गया। फिर कांटेक्ट रेशियो, तो कांटेक्ट रेशियो की जो वैल्यू आई वो क्या होती है, सबको पता है कांटेक्ट रेशियो कितना होता है, आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, अपॉन सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट कितना, 56 पॉइंट, ये भी एमएम में होगा, 56.66 अपॉन पाई इंटू एम, पाई इंटू एम। सर्कुलर पिच क्या होते हैं, पाई इंटू एम होती है। एम की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद कांटेक्ट रेशियो वैल्यू आ रही 1.5। कितनी आ रही, 1.5 आ रही है। 1.5 का मतलब क्या है, एक पूरा टीथ जो है पूरा मिस कर रहा है, तो दूसरा वाला है वो 50% कर रहा है। इसको अगर जो है हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, से 2 लिख सकते हैं, दो टीथ जो है कांटेक्ट में है अगर 1.5 है। तो फिर से एक बार देख लो, सबसे पहले डाटा लिखा, डाटा में क्या था, स्मॉल टीथ, कैपिटल टीथ, पिनियन का टीथ और गियर का टीथ दिया था, प्रेशर एंगल दिया था, मॉड्यूल दिया था, कंडम दिया था। फिर हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस मॉड्यूल के हेल्प से आया और टीथ के हेल्प से आया, फिर अडेंडम रेडियस निकाला, फिर फार्मूला लगाया। फार्मूला बेस था, बिल्कुल सिंपल था। एक इसमें थोड़ा सा एडिशन है, अगर हमें मैक्सिमम स्लाइडिंग प्लास्टिक पूछता, क्या पूछता, मैक्सिमम स्लाइडिंग प्लास्टिक, बहुत बार पूछता एग्जाम में मैक्सिमम स्लाइडिंग प्लास्टिक पूछता, क्या पूछता, मैक्सिमम स्लाइडिंग प्लास्टिक पूछता। तो मैक्सिमम स्लाइडिंग प्लास्टिक के लिए क्या है, हमें पता होना चाहिए पिच लाइन प्लास्टिक, क्या पता होना चाहिए, पिच लाइन प्लास्टिक, पिच लाइन प्लास्टिक पता हो, यानी जब दो गियर मिस करते हैं, जब दो गियर मिस करते हैं तो जहां पे जो मिस करते हैं आपको पता है वो पिच क्या है, पिच सर्किल से मिस करते हैं, तो पिच सर्किल से मिस करते हैं, जो ब्लास्टी होती है कॉमन ब्लास्टी वो कितनी होती है, पिच लाइन ब्लास्टी होती है। उसकी क्या वैल्यू होती है, पाई D1N1 अपॉन 60, या तो पाई D2N2 अपॉन 60, ये क्या है, मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया पिच लाइन ब्लास्टी जो है बीपी इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड है। हमने अज्यूम कर लिया कि जो बी है, जो बीपी है वो कितना 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड है, सॉरी ब्लास्टी है। तो अब हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एंगुलर, जो एंगुलर यानी रोटेशन जो हो रहा है, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल दिया, तो बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 ओमेगा 1 इक्वल टू R2 ओमेगा 2, यानी क्या है, जो रेडियस है, अब इसमें हमने स्मॉल r माना है, तो r ओमेगा इक्वल टू कैपिटल r ओमेगा, कितना माना, कैपिटल r ओमेगा, तो r इंटू ओमेगा 1, इसका r इंटू ओमेगा 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 निकल जाएगा, तो ओमेगा 1 कितना निकलेगा, तो 1500 कर लो, अगर mm में चेंज कर लिया तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 1500 अपान जो r की वैल्यू कितनी 180 है, ये क्या आ जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, ऐसे ओमेगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500 एमएम में चेंज कर लिया, जो 1.5 मीटर उसको एमएम में चेंज कर लिया, अपॉन 480 कितना आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब हम लोग क्या है, मैक्सिमम स्लाइडिंग प्लास्टिक यानी क्या है, बी मैक्स की बात करें, स्लाइडिंग प्लास्टिक, मैक्सिमम स्लाइडिंग प्लास्टिक, मैक्सिमम स्लाइडिंग प्लास्टिक का फार्मूला जो होता है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 यानी रोटेशन, ओमेगा 2 अगर देखे क्या, दो गियर मिस करते हैं तो उनका जो मोशन होता है वो अपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहां स्लाइडिंग प्लास्टिक में क्या आ गया, अपोजिट में क्या आ गया, यहां प्लस आ गया, ठीक है, यहां प्लस आ गया इनटू। अब मैक्सिमम की बात करें
तो कितना जो पाथ आप क्या है अप्रोच है पाथ आप रेसेस है तो मैक्सिमम निकालना है यानी कितना कांटेक्ट हुआ पिच लाइन पिच पॉइंट से पहले तो पिच पॉइंट से पहले कितना 127.3 था 125 था तो मैक्सिमम कहां पे मिलेगा जो मैक्सिमम रेडियस होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी देगा तो कितना देगा 27.3 तो कितना हो जाएगा आप कह सकते हो केपी क्या कह सकते हो केपी कह सकते हो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। अब आपको ये मल्टीप्लाई 27 रख देना है यहां पे पाथ ऑफ अप्रोच यानी पाथ ऑफ अप्रोच की जब जब रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलनी अगर मिनिमम वेलोसिटी पूछता तो पाथ ऑफ रेसेस से मल्टीप्लाई करते हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोग समझ में आया होगा हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ में आया आप नोट डाउन कर लीजिए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो है गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल लेके आएंगे तो गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल लेके अगर आपको ठीक है थैंक यू क्लास।